और गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन में अगले प्रधानमंत्री की रेस शुरू हो गई है। इस रेस में वैसे तो कई सारे नाम शामिल हैं, लेकिन बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक इस रेस में फिलहाल काफी आगे बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। Perhaps quite a few who will also be disappointed, and I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की खबर बाहर आते ही लंदन की सड़कों पर भीड़ जम गई। भीड़ के बीच एक गाना खूब बजा, शब्द थे बाय बाय बोरिस। यानी बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से शायद ही ब्रिटेन वासियों को कोई हमदर्दी थी। ये गाना ही बताने के लिए काफी है कि बोरिस के इस्तीफे से लोग बेहद संतुष्ट थे। शायद बोरिस जॉनसन के लिए भी अब यही एक ऑप्शन बचा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद इस पद को संभालने वाला कौन होगा? कौन होगा जिसके हाथों में अब ब्रिटेन की कमान होगी? ऋषि सुनक। जनता उम्मीद बिल्कुल सही है कि सरकार ठीक से सक्षम और गंभीरता से संचालित हो। मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देते हुए ऋषि सुनक ने यही शब्द कहे थे और अब शायद वो समय आ गया है कि वो जनता की इसी उम्मीद को पूरा करे। कोरोना काल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ऋषि सुनक की तारीफ की जाती है, लेकिन अपनी प्रति व्यक्ति आय की नीतियों को लेकर ऋषि सुनक को आलोचनाओं का शिकार करना पड़ा है। अब ब्रिटेन के अगले पीएम की रेस में वो सबसे आगे हैं। हालांकि फैसला होने में अभी समय है। लिज़ ट्रस, विदेश सचिव कंजर्वेटिव्स के जमीनी स्तर की प्रिय नेता है। कंजर्वेटिव पार्टी की वेबसाइट पर भी किए गए पार्टी सदस्यों के चुनाव में वो लगातार टॉप पर रही है। लिज़ ट्रस की सार्वजनिक छवि सावधानी से तैयार की गई है और पिछले साल एक टैंक में फोटो खिंचवाया गया था जो ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर की 1986 की एक मशहूर फोटो की ही तरह था। 46 वर्षीय लिज़ ट्रस ने जॉनसन के प्रीमियरशिप के पहले 2 साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव के रूप में बिताए, ब्रेक्सिट को चैंपियन बनाया और पिछले साल यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के प्रमुख वार्ताकार भी रही थी। जेरेमी हंट, 2019 में जब पार्टी के नेतृत्व करने वाले नेता का चुनाव हो रहा था तब 55 साल के जेरेमी हंट दूसरे स्थान पर थे। ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव रहे जेरेमी हंट शैली अधिक गंभीर और कम विवादास्पद रही है। बीते 2 साल में हंट ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य चयन समिति के अध्यक्ष का पद बड़े बखूबी तरीके से संभाला था। हालांकि इस साल की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। नदीम जहावी, ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद जॉनसन ने नदीम जहावी को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। पीएम के दावेदारों में भी नदीम जहावी कुछ अलग ही हैं। दरअसल नदीम बचपन में इराक से बतौर शरणार्थी ब्रिटेन आए थे। 2010 में वो पहली बार सांसद बने। जहावी ने हाल ही में कहा था कि अगर मुझे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना जाता है तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। पेनी मॉर्डेंट, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर पेनी भी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल है। पेनी को पिछले चुनावों में हंट का समर्थन करने के लिए जॉनसन ने सरकार से हटा दिया था। पेनी यूरोपियन यूनियन छोड़ने का समर्थन करने वालों में सबसे आगे थी। जब ब्रिटेन में यूरोप यूनियन छोड़ने का मुद्दा गरमाया हुआ था तो पेनी ने एक इवनिंग टीवी शो में भाग लिया था। इससे उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बेन वॉलेस, बेन वॉलेस डिफेंस मिनिस्टर हैं, ब्रिटिश रॉयल आर्मी में रह चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन के रुख को लेकर चर्चा में आए। यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने में उनका अहम रोल है। 1999 में उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 2005 में संसद पहुंचे। 2016 में बेन होम सिक्योरिटी मिनिस्टर थे। अफगानिस्तान से ब्रिटिश नागरिकों को बाहर निकालने में उनका अहम योगदान था। ब्रिटेन में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्रियों में बोरिस जॉनसन पहले नहीं है और ब्रिटेन के उसी इतिहास की तरह इस पद के लिए दावेदार भी कई हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी गद्दी का दावेदार कौन होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपनों की बगावत आखिरकार बोरिस जॉनसन पर भारी पड़ी। गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का इस्तीफे का ऐलान उनको करना ही पड़ गया। हालांकि नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक बोरिस जॉनसन अपने पद पर बने रहेंगे। इस्तीफा देते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि सबसे अच्छी नौकरी छोड़ने का उन्हें दुख है, लेकिन बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की ये पूरी कहानी दरअसल महाराष्ट्र में हाल ही में सियासी भूचाल से मिलती जुलती है। और अगर ये कहानी सचमुच मिलती जुलती है तो फिर इस कहानी का एकनाथ शिंदे कौन है? महारानी का देश महाराष्ट्र वाली राजनीति उद्धव की तरह गई जॉनसन की कुर्सी। कौन बनेगा ब्रिटेन का शिंदे? बहुत जान लगाई, बाजी को अपनी तरफ पलटने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी को संभाल नहीं पाए। अपनों के भरोसे की डोर टूटी और जॉनसन धड़ाम हो गए। कोरोना काल में पार्टी करने वाले बोरिस जॉनसन, पुतिन को क्रोकोडाइल कहने वाले बोरिस जॉनसन, वॉर जोन में जेलेंस्की के साथ चहलकदमी करने वाले जॉनसन, भारत में जेसीबी के ऊपर चढ़कर पोज देने वाले जॉनसन, अपने कार्यकाल में कभी अजीबोगरीब हरकतों और कभी बयानों से विवादों में रहने वाले बोरिस जॉनसन ने आखिरकार अपने ही मंत्रियों की बगावत के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अब कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुना जाएगा जो देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। And to that new leader, I say, whoever he or she may be, I say, I will give you as much support as I can. And to you, the British public, I know that there will be many people who are relieved and perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. और जिस अंदाज में बोरिस जॉनसन की कुर्सी गई, उससे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की विदाई याद आ गई। समझिए क्यों कहा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के उद्धव ठाकरे बन गए। दोनों नेताओं पर अपनों की बगावत भारी पड़ी। बोरिस जॉनसन के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तो उद्धव ठाकरे के विधायकों ने महाराष्ट्र छोड़ दिया था। दोनों ही नेताओं ने लेट इस्तीफा दिया। बोरिस जॉनसन भी पहले इस्तीफे से इनकार कर रहे थे और उद्धव को भी भरोसा था कि विधायक मान जाएंगे और उनकी सरकार बच जाएगी। दोनों ही नेताओं के करीबी उनसे नाराज हो गए। जॉनसन के बेहद करीबी माने जाने वाले ऋषि सुनक ने सबसे पहले इस्तीफा दिया। वहीं उद्धव ठाकरे के बेहद भरोसेमंद एकनाथ शिंदे बागी हो गए। दोनों ही नेताओं की पार्टी उनके फैसलों से नाराज थी। कंजर्वेटिव पार्टी का भरोसा बोरिस जॉनसन से उठा और शिवसेना के विधायक उद्धव से बगावत पर उतर। बोरिस जॉनसन को इस्तीफे के तीन मेन कारण हैं। पहली बात, उनकी जो पर्सनालिटी और उनका जो कैरेक्टर है उसमें बार बार ये निकल के आ रहा था कि ये सच नहीं बोलते हैं। उसके अलावा अभी जो एक मिनिस्टर अपॉइंट हुआ था बोले उसकी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था, इनको पता था पर ये बोलते रहे नहीं मुझे पता ही नहीं। तो इनके पार्टी के MPs को ये लगने लगा कि ये अगर पावर में रहा तो हमारी अपनी इलेक्शन अगली इलेक्शन में हम हारेंगे।